हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे कैसे हम डिटरमाइन करते हैं और किस प्रकार किसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा टॉपिक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में वीडियो आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी हमें जो टॉपिक चल रहा है उसका जो एक्चुअल हमें एक्सप्लेनेशन जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। हैलाइड आपको पता है, हैलोजन को हम बोलते हैं। यदि हैलोजन कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो कार्बन और हैलोजन के जो बॉन्ड है वो हैलोजन की तरफ शिफ्ट रहते हैं, क्योंकि हैलोजन की नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ हम जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो इसकी स्टेट नेगेटिविटी पर डिपेंड करेगी। तो जितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं कार्बन से, उतना ही कार्बन पे हम चार्ज असाइन करते हैं पॉजिटिव का। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से शिफ्ट करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो सी एक्स बॉन्ड में जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जब हैलोजन को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो कार्बन कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि ज़्यादा होता है तो ऐसा जो बॉन्ड होगा वो पोलर बॉन्ड होगा, और जिसमें कुछ कोवलेंट करेक्टर भी रहते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें पोलराइजेशन के कारण कुछ आयोनिक करेक्टर भी आ जाते हैं, पोलराइजेशन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो हम बात करते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन है, हाई नेगेटिव है, तो वन पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे और वन नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे। हम यहाँ कार्बन को लेकर इसकी जो स्टेट हम निकालेंगे, कार्बन से कौन सा जो एलिमेंट एटम जो है वो अटैच्ड है उसके बेसिस पर। अल्कोहल के बाद हम बात करते हैं फिनोल की। फिनोल में एरोमेटिक बेंजीन होता है और एवेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड होता है, तो ये फिनोल है। तो जैसे अल्कोहल में हमने असाइन किया वैसे फिनोल में होगा, जिसमें जो कार्बन है वो एरोमेटिक का एक पार्ट होगा। तो इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव वन चार्ज। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथर मॉलिक्यूल की। ईथर में ऑक्सीजन जो होता है वो दोनों साइड से कार्बन से बॉन्डेड होता है थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन दोनों वैलेंसी से कार्बन से बॉन्डेड होते हैं और सिंगल बॉन्ड से, ऐसे मॉलिक्यूल को हम ईथर बोलते हैं। अब ये जो कार्बन है वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन से +1 +1 चार्ज क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल होगा। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में से। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग होते हैं। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन जो दो कंपाउंड हैं उनकी हम बात करते हैं। दोनों ही इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स, पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड जो ग्रुप है CHO, जिसमें कार्बन की जो दो वैलेंसी है जिसमें एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड होता है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हमने बना लिया। और सेकंड जो फोर्थ वैलेंसी, यहाँ पे हम कोई भी कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो ऑक्सीजन दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ शिफ्ट करता है तो -2 चार्ज, इससे कारण कार्बन पे +2 चार्ज। और देखो हाइड्रोजन की जो नेगेटिविटी है वो कार्बन से कम होती है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है वो कार्बन की तरफ ज़्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन की जो नेगेटिविटी है वो 2.1 होती है और कार्बन की नेगेटिविटी जो है वो 2.5 होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है वो कार्बन के टूवर्ड्स होगी। तो इसके लिए -1 चार्ज, तो +2 एंड -1, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा +1 चार्ज। तो
एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन पे जो चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो +1 होती है। इसी तरह हम कीटोन जो है उसकी बात करते हैं, जिसमें दोनों तरफ ये एल्डिहाइड कार्बन है जिसपे +1 चार्ज है। अब हम लेते हैं कीटोन। कीटोन्स में जो कार्बोनिल कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ती है उसको हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। इस पे दोनों साइड से जो है वो कार्बन से बॉन्डेड होता है, तो कार्बन कार्बन की जो नेगेटिविटी है वो सेम होती है, तो कोई चार्ज नहीं आता, इसलिए ऑक्सीजन के कारण इस पे +2 चार्ज आएगा। तो नेगेटिविटी ऑफ टू कार्बन्स आर इक्वल, तो कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, यानी दो ऑक्सीजन होती है जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होती है कार्बन से और दूसरी ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड होती है, तो ऐसे ग्रुप हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से देखें तो +2 चार्ज आएगा कार्बन पे, और सिंगल बॉन्ड से देखें तो +1 चार्ज आएगा, तो टोटल जो चार्ज है कार्बन पे यहाँ +3 चार्ज आएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन है वो +3 चार्ज्ड होगा इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम यदि बात करें इनके एसिड डेरिवेटिव की, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके डेरिवेटिव में इसी स्टेट यदि असाइन करें, तो सभी जो डेरिवेटिव्स में कार्बन जो है वो +3 चार्ज ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सारे जो डेरिवेटिव है जिसमें जो ग्रुप जुड़ रहा है वो सारे कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव होंगे। देखो हेलोजन है तो ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो इधर भी +1 चार्ज क्रिएट करेगा, तो +2 एंड +1 ओवरऑल +3 चार्ज रहेगा इस पर, +3 चार्ज। तो सारे डेरिवेटिव्स में कार्बन +3 रहेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जितने भी डेरिवेटिव है, तो इस पर आपको याद रखना है कि कार्बन पे जो चार्ज है वो +3 रहेगा। कौन से कार्बन पे? कार्बोनिल कार्बन पे, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन की नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, सॉरी लोअर देन नाइट्रोजन, तो वही सेम यहाँ पे होगा, +3 चार्ज यहाँ पे भी आएगा कार्बन पे। तो नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन हायर देन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन, +3 चार्ज, इसे एमाइड बोलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव है इसका सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर, ये जो डेरिवेटिव है ये एस्टर इसको बोलते हैं हम, तो इसमें भी वो सेम रहेगा, +2 चार्ज ड्यू टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड +1 चार्ज ड्यू टू सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ओवरऑल +3 चार्ज ऑन द कार्बन एंड कार्बन। तो इस टाइप से हम जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होती है उस पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करके, यदि रिएक्शन में ये कोई मॉलिक्यूल यूज होते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है या रिडक्शन प्रोसेस यूज हो रहा है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें सिंपली ये अपन बात करें तो यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोसेस में डिक्रीज होता है तो वो रिडक्शन प्रोसेस में निकलता है। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। और ये जो स्टेट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कार्बन पे, ये डिपेंड कर रही है इन दोनों बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चलिए अब हम कुछ इनके जो मॉलिक्यूल्स है उन पे हम एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं उन पे जो स्टेट है वो मेंशन करने की, निकालने की। तो कुछ हम मॉलिक्यूल यहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होता है H2CO, दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन होता है और एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड।
आप भी ट्राई कीजिए इस पे कार्बन पे स्टेट निकालने की। देखिए इसमें ऑक्सीजन है जिसके कारण +2 चार्ज आएगा, लेकिन हाइड्रोजन की नेगेटिविटी कार्बन से कम है तो -2 चार्ज आएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 आएगा। तो +2 एंड -2 इक्वल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 चार्ज रहेगा इसमें। इसी टाइप से यदि हम सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं, एल्डिहाइड का ही है, एसिटाल्डिहाइड। यदि एक हाइड्रोजन को हम CH3 से रिप्लेस कर दें, मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल। इसमें यदि कार्बोनिल कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम लिखें तो CH3 और कार्बोनिल कार्बन की नेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन के कारण +2 चार्ज और हाइड्रोजन के कारण +1 चार्ज, -1 चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज होगा +1। एसिटाल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पे जो चार्ज रहेगा +1 चार्ज। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख रहे हैं, ये इनकी जो रिएक्शन है उन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो ज़्यादातर इनकी स्टेट को हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हम यूज करते हैं, जिससे पता लगाते हैं कि गिवन जो रिएक्शन है उसमें जो कार्बन यूज हो रहा है उसमें रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसा कि कैनिजारो रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसमें कार्बन रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है। तो एक बार स्टेट डिक्रीज भी होगी और सेकेंड टाइम उसकी स्टेट इंक्रीज भी होगी। तो यहाँ पे ये यूज किया है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन है। यदि हम CH3 की जगह हम बेंजीन यूज करें, यदि हाइड्रोजन हटा के बेंजीन लगा दें, तो ये एसिड बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। तो कार्बन कार्बन भी कोई स्टेट नहीं आएगा, हाइड्रोजन के कारण -1 है, ऑक्सीजन के कारण +2 है, तो ओवरऑल चार्ज +1 होगा। अब लेते हैं हम कीटोन। तो कार्बन कार्बन तो यहाँ सेम रहेगा, तो ऑक्सीजन के कारण यहाँ कीटोन में रहेगा +2 चार्ज, यानी कीटोन में जो कार्बन यूज होगा वो +2 होगा। यदि ये कोई रिएक्शन में यूज होता है तो ये +2 रहेगा। अब ये रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है वो डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन पे। इसी टाइप से यदि हम ये यूज करें, एरोमेटिक कीटोन, एसिटोफिनोन हम इसे बोलते हैं, और जो फर्स्ट हमने यूज किया था CH3 CH3 दोनों, उसको एसीटोन बोलते हैं। ये सेकेंड मॉलिक्यूल एसीटोन, दोनों में स्टेट सेम रहेगी। अब हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सिंपल मॉलिक्यूल ले रखा है हमने, फॉर्मिक एसिड, यानी कार्बन पे एक वैलेंसी जो बची थी उस पर हम हाइड्रोजन लगाएं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। तो इसमें देखिए दोनों तरफ ऑक्सीजन के कारण +3 चार्ज, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से +1 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से +2, तो +3, और हाइड्रोजन के कारण -1, तो +3 एंड -1, तो कितना चार्ज हुआ इस पर, +2 चार्ज। तो फॉर्मिक एसिड में कार्बन पे जो चार्ज है वो +2 चार्ज होएगा। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यदि हम हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दें तो इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, या हम कह सकते हैं एथेनोइक एसिड। तो इसमें CH3 है तो कार्बन कार्बन सेम है, कोई चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन के कारण +2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन +1, तो ये रहेगा +3 चार्ज। इसी टाइप से नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं हम। यदि हम बेंजीन यूज करें इसमें, तो बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा इसमें, तो इसमें कोई स्टेट नहीं आएगी, तो ये भी +3 होगा। +2 एंड +1, ओवरऑल चार्ज इज +3। यहाँ पर भी +3 चार्ज आएगा।
चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं। ये हम लेते हैं मैथेनॉल, यानी अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज करते हैं। इसमें हम कार्बन पे स्टेट यदि लें तो देखो तीन हाइड्रोजन है, जिसके कारण -3 आएगा, और ऑक्सीजन के कारण +1, तो -3 एंड +1 इक्वल्स टू -2, यानी कि मैथेनॉल में कार्बन पे जो चार्ज है वो आएगा -2 चार्ज। ये एक्चुअल में हमें यहाँ लगाना नहीं है, क्योंकि ये आयंस नहीं होते, ये तो हम रिएक्शन में जब यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन जबकि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि सारे चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही होगा। लेकिन हम जब रिएक्शन में इनको यूज करते हैं तब हमें यहाँ पर इनकी स्टेट थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में हमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है उनको हम आइडेंटिफाई करके रिएक्शन को और इजी कर सकते हैं। ये लेते हैं हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल है इथर, एक बेंजीन है, कार्बन है +1 एंड +1, तो ये -2 चार्ज होगा, दोनों कार्बन पे +1 चार्ज आएगा।